देखो सब्जी मंडी का मीटिंग का बाद मैंने और अरविंद जी ने हम लोगों ने जानकारी के लिए आए थे रिजर्व बैंक के पास, दिल्ली का जो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है, दिल्ली का रीजियोनल, हम लोगों ने उसको पूछने के लिए आया है कि आज भी 4,500 रुपया से 2,000 कर दिया और बैंक में रुपया अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए ये चीज किया है। अगर रुपया अवेलेबल होता तो कल 4,000 देके 4,500 देके आज उसको 2,000 में नहीं उतरता, तो बैंकरप्सी है, रुपया का नोट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये जानकारी के लिए आए थे जे आप हमको सच सच बताओ कि कितना रुपया आप इतना दिन में 2,000 को जमा किया, 500 को जमा, 1,000 को जमा किया, आप कितना 2,000 प्रिंट किया, आप कितना 500 प्रिंट किया, कितना 100 का नोट प्रिंट किया, कैसा 50 का नोट प्रिंट किया, कैसा 10 रुपया का पैसा कॉइन आप प्रिंट किया, कितना अवेलेबल है। लेकिन रीजनल मैनेजर दिल्ली का हम लोगों को बताया, वो लोगों के पास कोई जानकारी ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है हमारा जो एप्रिहेंशन है वो करेक्ट है, द कंट्री इज गोइंग फॉर बैंकरप्सी एंड स्पेशली रिजर्व बैंक। आई हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द ऑफिशियल्स, आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स, बट दिस इज अ रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो हमको बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को बैंकरप्सी कर दिया है। खाने वाना सब बंद हो जाएगा, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। हम मीटिंग में वादा किया था कि हम 3 दिन वो इंतजार करेगा, हम देखेगा क्या गवर्नमेंट इसको विथड्रॉ करके नॉर्मल सी कर सकता है कि नहीं। जो सोल्यूशन में देखो कभी हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो सजेशन है, सुझाव है, गवर्नमेंट अगर सोचे इससे बाद अच्छा भी सुझाव जिसका हो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन नॉर्मल सी रेस्टोर करो। नॉर्मल सी रेस्टोर नहीं होगा तो बाजार बंद हो गया है, बेबी फूड नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद हो गया है, 100 दिन का काम बंद हो गया है, किसान का मजदूरी बंद हो गया है, लेबर का मजदूरी बंद हो गया है, टैक्स पेयर्स अभी नोट नहीं, उसको टैक्स पे करने का बाद भी रुपया नहीं तुल सकता है। पहले बताया था ऑप्शन में 26,000 करेगा, लेकिन आज उसको आधा कर दिया है, उसका बाद रुपया नहीं है, बैंक रफ्सिक परिस्थिति है। ये हम लोग देखने के लिए आए हुए था और हम देख के, देखो रिजर्व बैंक का रीजनल मैनेजर आके बताया खुद आप लोगों का सामने कि ये बात सच है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी रिजर्व बैंक का पास नहीं हो किसके पास तो किसका पास होगा? तो मोदी जी अनाउंस किया रिजर्व बैंक का बात, लेकिन रिजर्व बैंक इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, अगर वो कहे हमारे पास जानकारी नहीं है तो जनता कहाँ जाएगा? आसमान में जाएगा? तो इसी के लिए जानकारी देके हम लोग सबूत कर दिया ये परिस्थिति है। हम तो इधर में कोई गड़बड़ करने के लिए आए हुए हैं, हम आईन मानते हैं, हम कानून मानते हैं, लेकिन हम 3 दिन टाइम दिया है, 3 दिन में हम देखते हैं अगर इसको सॉल्व करेगा तो ठीक है, लेकिन बीजेपी कैडर का ही निकाल से जैसे गाली देने से ये प्रॉब्लम हम लोग को रुका, हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है कि हम लोग पॉलिटिकल आदमी है, हम लोग पब्लिक के लिए हम लड़ाई करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे और 3 दिन का बाद सोच के हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम। 3 दिन के बाद क्या रणनीति होगी आप बताएंगे? आपको बताएंगे आप लोगों को, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है देश के अंदर। आरबीआई के पास ऐसा लगता है पैसा नहीं है, रिजर्व बैंक बोला दीजिए, रिजर्व बैंक कह रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन।